अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग एंड फन जोन। कुकिंग एंड फन जोन में व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना जो सिखा रही हूँ वो एक बहुत ही स्पेसिफिक सी रेसिपी है, आमतौर पर अमूमन घरों में बनने वाली रेसिपी है। मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। कई लोग हैं उनसे इसका शोरबा सही तरह से तैयार नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा पतला रह जाता है या बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाता है मसाले के तौर पर। अमूमन आलू गोश्त का जो शोरबा है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो चले, इनके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं आपके सामने। मटन 1/2 kg ले लिया है मैंने, 4 बड़े टमाटर, इनमें पानी डालकर बस मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, 3 बड़ी प्याज, इसको मोटा मोटा कट करना है आपको, आप ये देख सकते हैं, इसको बारीक कट मत कीजिए, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ ये बनाने का। इस मेथड से बनाइए, यकीनन बहुत ही मज़े का बनेगा। आलू 3 अदद आलू लेकर उसको मैंने कट कर लिया है, आप ये इसका साइज़ देख सकते हैं, आपने इस तरह से इसे कट करना है। चलिए अब मैं आपको इसके मसाले बताती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon फुल, 1 tablespoon नमक, 1 tablespoon लाल मिर्च, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 tablespoon पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 teaspoon पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमें चाहिए लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/2 cup ऑयल ले लिया है मैंने और इसको मैंने ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, 3 अदद प्याज जो कि मोटी मोटी काट ली है मैंने। मैं इसे प्रेशर से बना रही हूँ एज यूजुअल, जैसे कि मैं गोश्त की कोई भी डिश हो वो प्रेशर से बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे ठंडिया में भी बना सकते हैं। प्रेशर को यूज़ करने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब ये प्याज ब्राउन होने के लिए रख दीजिए। आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अगर आप ये मोटे मोटे प्याज काटेंगे तो आपसे ये इजीली निकल जाएंगे, अगर आपने प्याज बारीक काटा होगा तो ऑयल में से प्याज निकालने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगी, इसीलिए आपने प्याज मोटे मोटे काटने हैं। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप मेरे देख सकें, कुकिंग वीडियोस और फनी वीडियोस भी। प्याज निकाल लेने के बाद इसी ऑयल में ऐड कर दीजिए 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 cup फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए मटन, इसके लिए आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, बोनलेस नहीं लेंगे आप। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भून लीजिए। हड्डी वाला गोश्त लेने से आपका ये जो शोरबा है वो बहुत अच्छा सा तैयार होगा। गोश्त जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई हो रहा है, जब तक हम टमाटर ब्लेंडर में लेकर जो प्याज निकाले थे उसे भी ब्लेंडर में डालेंगे
और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। प्याज और टमाटर आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। दूसरी तरफ गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इस गोश्त में ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइसेस। पिसा हुआ गरम मसाला निकाल कर बाकी सब स्पाइसेस इसमें ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से भून लीजिए। बहुत ही इजी मेथड है ये, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूंगी प्याज और टमाटर का जो ये पेस्ट है वो। एक जग पानी का ऐड करके अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। 15 मिनट्स का प्रेशर लगा देने के बाद आप ये देख सकते हैं गोश्त तो गल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। आलू डालकर इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। दो ग्लास पानी ऐड कर दिया मैंने। दो ग्लास पानी ऐड करके मैं इसे ढककर रख दूंगी जब तक आलू गल जाएंगे। दो ग्लास पानी डाल देने के बाद इसको उबाल दिलाकर दम जितनी आंच पर रख दीजिए ताकि इसमें आलू गल जाए और तरी भी ऊपर आ जाएगी। आलू गोश्त को दम आ चुका है, आलू भी गल गए हैं। अब लास्ट टच इसका यह है कि इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दीजिए और साथ ही ऐड कर दीजिए इसमें हरा धनिया। मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।